पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा, हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा। और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन। दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा लेने लगे हैं। और ये सब